गोवन वार्ता लाइव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा. निवडणुका आल्या की नोकऱ्यांचा विषय येतोच. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर याच विषयावरून भाजप आणि आम आदमी पार्टीतर्फे आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. आता थेट मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनीही आपच्या नेत्यांना चार शब्द सुनावले आहेत. आपच्या संदर्भात दिल्ली की जी परिस्थिती असा ती तुमकाही खबर असा. आपण सरकारी नोकरी म्हणजे जवळजवळ 400-500 सरकारी नोकरी दिल्ली असा. त्यांच्या साठीचेर वचून जर पळयले सरकारी हातूंतल्यान तातूंत ताणी कितल्यो नोकऱ्यो पयली लोकांक दिल्ल्यो त्यो पळयात. 2.7 crore पॉप्युलेशन आशिल्ले दिल्ली 400-500 नोकरी दिता आनी 15 lakh पॉप्युलेशन आशिल्ले गोंयांत आमी जे 10,000 नोकऱ्यो सरकारांतल्यो येतल्यो आनी त्याच बरोबर अदर रोजगार आसा तेय बीन लोकां कडेन वतले हें म्हटलां. आनी आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण ही जी घोशणा केल्या ती आपल्या पांयचेर उबे रावून आपले हातून म्हणजे ईडीसीतले हे आसतले सीएमआरचे लोन आसतले हे सगळे गजाली. आनी म्हणून ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान आमी इतलें सांगता की आपण गोयच्या लोकांची दिशाभूल करची न्हय. तो कल अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े प्रॉमिसेस किए. उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी होगी. दूसरी बात कि हर परिवार में एक व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है. दिल्ली में एक हमने स्किल यूनिवर्सिटी खोली है और उसी तरह से गोवा में हम एक स्किल यूनिवर्सिटी खोलेंगे. अब बीजेपी के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी को देखिए, वो हर इलेक्शन से पहले कहते हैं कि हम 10,000 सरकारी नौकरियां देंगे. उन्होंने जिला परिषद के इलेक्शन ZP इलेक्शन से पहले भी ये कहा कि हम 10,000 सरकारी नौकरियां देंगे. कहां है वो नौकरियां? उसके बाद वही वादा उन्होंने 2 महीने पहले फिर से रिपीट किया कि हम 10,000 सरकारी नौकरियां देंगे. दामू नायक जी ने कहा था कि हम बोलते नहीं है हम करते हैं. तो मेरा उनसे ये सवाल है कि क्या करा आपने? कहां हैं वो 10,000 नौकरियां? कहां हैं वो 10,000 लोग? और ये मत भूलिए ये वही प्रमोद सावंत हैं जिन्होंने कहा कि गोवा के लड़के लड़कियां गोवा के यूथ के पास इसलिए नौकरियां नहीं है क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है. और उन्होंने खुद जिम्मेदारी लेने के बजाय ये कहा कि गोवा के यूथ को अगर नौकरियां देनी है तो भगवान को उतर के आना पड़ेगा तभी गोवा के लोगों को गोवा के यूथ को नौकरियां मिलेंगी. केजरीवाल जी कल बोल रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट को 3,000 से 5,000 तक देगा और गवर्नमेंट जॉब भी 80%. उसको आप लोगों ने पूछना चाहिए था कि आपने दिल्ली में कितने गवर्नमेंट जॉब दे दिए हैं. आज तक मुझे लगता है जो मैंने जस्ट देखा नॉट मोर देन 450 समथिंग जॉब ही हैड गिवन फॉर द लास्ट 5 years. तो यहाँ पे कौन से जॉब देने वाला है वो? मुझे लगता है खुद जाके दिल्ली में पहले दिल्ली में जो जितनी सारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी है वहाँ पहले दे दे बाद में गोवा की बात. तुम्ही त्यांच्या कॉपी करता का है म्हणता ते? तो माझ्या कॉपी करता वयल्यान जाल्यार हांव म्हणटलो कारण हांवें म्हजें मॉडल करियर सेंटर जें आसा हें सगळ्यांत पयलीं सुरू केलां. म्हाका दिसता एप्रेंटिशीप स्कीम फेलोशीप स्कीम मॉडल करियर सेंटरच्या वतीन गव्हर्मेंटच्या वतीन प्रायवेट सेक्टरांत जॉब दिवपाचें काम म्हज्या सरकारान हें आतां न्ही. म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी फाटले फावटी आमी 170 ऑर्डरी मॉडल करियर सेंटरांतल्यान आपल्यो गोदरेज आसतली कॉलगेट आसतली मर्क आसतली ह्या प्रायवेट कंपनीनी आमच्या मॉडल करियर सेंटर म्हणजे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हांच्यांनी ऑर्डरी दिल्या. त्या खातीर आमचें गव्हर्मेंट हे प्रायवेट सेक्टरान नोकरी दिवपाचें काम हे म्हाजे करता. ते परवरी ज्यो दिल्या पळय न्ही रे ते एप्रेंटिशीपी खातीर स्किल अपग्रेडेशन करपाचें तो जो सांगता पळय न्ही रे हांगा स्किल अपग्रेडेशन सगळ्या आयटीआयतल्यान ऑलरेडी चालू आसा. बऱ्याचशा लोकांक खबर ना आमचे भुरगे 2-2 स्किल अपग्रेडेशन एट अ टायम करता. तो खंय तरी आत्ता ज्यो गजाली सांगता पळय न्ही हवेतली सपनां दाखोवचें न्ही प्रॅक्टिकल कित्याक तें करचें येवन मरे आमी जशें म्हणटा की सूर्य आणि तारे जे हाडून देतले हे कोणाच्यान सांगू येता जे केन्ना सत्यान हांगा येवचेच ना त्यांच्यान दिवं येता. त्या खातीर सांगता फाटली 3 वर्सां हांव 2.5 वर्सां मुख्यमंत्री म्हणून काम करता. गोंयकारांचो म्हजेर विश्वास आसा आणि निश्चितच म्हजें काम कितें हें म्हज्या समेस्त गोंयांतल्या भाव भयणीक खबर आसा.